हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इशरा। आप सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है और आप सबका बहुत ज्यादा धन्यवाद, शुक्रिया हमें प्यार करने के लिए, मोहब्बत देने के लिए। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं, सनातन धर्म की हिस्ट्री शॉर्ट वीडियोस देखने वाले हैं, जो कि देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं आज की वीडियो। हमारे धर्म संस्कृति में विज्ञान के सूत्र कैसे निहित है, इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य से धरती की दूरी जो 15 लाख कुछ मील है, उसको यदि आप सूर्य के डायमीटर से डिवाइड करें तो जानते हैं कितना आता है संख्या? 108। चंद्रमा से धरती की दूरी को चंद्रमा के डायमीटर से डिवाइड करें तो 108 आता है। इसका अर्थ क्या हुआ? 108 इज द गैलेक्टिक रेशियो ऑफ अवर सोलर सिस्टम विद द टू मेजर प्लैनेट्स, एक सूर्य और एक चंद्र। सूर्य मन का, सूर्य आत्मा का प्रतीक है, चंद्रमा मन का प्रतीक है। दोनों का धरती से डिस्टेंस 108 के रेशियो में है। इसका मतलब अगर आपको आत्मा से मन का एकाकार करना हो तो माला कितनी बार जपनी होगी? 108 टाइम्स। और इस 108 का हमारे जीवन से क्या संबंध है? मैं प्योरली साइंटिफिक टर्म की बात करता हूँ। जो अर्थ और धरती का डिस्टेंस है, जिसका रेशियो 108 डायमीटर ऑफ सन है, अगर ये थोड़ा सा 10% दूर चला जाए तो इस धरती पे टेम्परेचर इतना गिर जाएगा कि जीवन नहीं रह सकता। 10% नजदीक आ जाए तो धरती पे टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि जीवन नहीं रह सकता। इसका मतलब जीवन का संतुलन वो 108 का रेशियो बता रहा है। बिल्कुल सही बात है। जुड़ गई तेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चले पानी से, बहुत खुश है मेरे। ओए कौन है वाला? जो बन है, जो बन आते बजाओ ढोल स्वागत मेरे घर। बड़ी अच्छी आवाज है। नॉनवेज खाने से धर्म भ्रष्ट होता है? नॉनवेज खाने से सिर्फ धर्म भ्रष्ट नहीं होता, बल्कि आपकी मानवता भ्रष्ट होती है। यहाँ धर्म से नॉनवेज का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है कि आप एक इंसान हो, और इंसान का मतलब है कि सबकी मदद करना, सबकी हेल्प करना। और आप हेल्प करने की जगह आप किसी जीव, आप किसी प्राणी को मार रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप मानवता का गला घोट रहे हो, आप इंसानियत का गला घोट रहे हो, आप एक बहुत बड़े पाप के अधिकारी बनते हो। क्योंकि जब आप किसी को मार रहे हो, अगर आप एक मछली को उस जल से, पानी से दूर लेकर के जाते, उस समय उसको जो तड़प होती है, वो मरते समय क्या सोच रही है, वो चीज जब आप खाओगे, 10-10 दिन तक आप उसको अपने फ्रिज में स्टोर करके रखते हो, आपके फ्रिज में क्या रखा है? आपके फ्रिज में रखी है हिंसा, डर, भय, घबराहट। अब वो आपके भीतर जाएगी तो आप क्या समझते हैं, आप एकदम खुशी खुशी जीवन जी पाएंगे? भारत के ओडिशा में जो जगन्नाथ टेंपल मौजूद है, उसको लेकर स्कंद पुराण में एक कहानी लिखी हुई है जो टाइम डायलेशन यानी कि समय फैलाव के कॉन्सेप्ट को पूर्ण तरीके से वर्णन करता है। जब राजा इंद्रद्युम्न जगन्नाथ टेंपल का निर्माण कर चुके होते हैं, तब नारद उन्हें बोलते हैं कि इसकी प्रतिष्ठा के लिए आपको ब्रह्मदेव के पास जाना होगा और उनसे ये विनती करनी होगी मंदिर प्रतिष्ठा करने के लिए। तभी नारद और राजा इंद्रद्युम्न शून्य के मार्ग से ब्रह्मलोक जाते हैं। वहाँ वो कुछ घंटे बिताने के बाद वह ब्रह्मदेव से मिलते हैं। तभी ब्रह्मा उन्हें कहते हैं कि जब आप यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, तब वो लोग पर एक मन्वंतर बीतकर दूसरे मन्वंतर की शुरुआत हो चुकी है। एक मन्वंतर में 71 महायुग होते हैं और एक महायुग में 4 युग होते हैं। ब्रह्मा कहते हैं कि न जाने कितने राजा महाराज आकर चले गए होंगे और वो जगन्नाथ मंदिर अब रेत के अंदर दब चुका होगा, उसको आपको फिर से खोजना होगा। उस मंदिर को खोजने के बाद मैं स्वयं प्रतिष्ठा के लिए आ जाऊंगा। तो कुछ इस तरीके से आपको हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। वृंदावन में पाकी बिहारी में रुक रहे थे और वहाँ पे हमने प्रसाद विशाद ग्रहण किए, तो मेरे एक रिलेटिव जो हैं उनके हाथ में लड्डू गोपाल जी थे। भीड़ भीड़ में जो लड्डू गोपाल जी थे वो उनके हाथ से गिर गए। अच्छा, तो जब उन्होंने भीड़ में देखना शुरू करा तो लड्डू गोपाल मिले। पतंजलि ढूंढा हमने, जो गोस्वामी स्वामी जी थे कहा कि हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, उन्होंने भी अनाउंसमेंट वगैरह की। तो बहुत देर तक हम वहाँ पे 7-8 बजे तक रात तक रुके कि हमें मिल जाएंगे, कैसे कैसे बातें मिली हमें मिली। अच्छा, तो जो मतलब लेटेस्ट थी वो बड़ी परेशान हो गई, जो परिक्रमा है मेरी, अधूरी रह गई, मेरे खाने खो गए, मेरा लल्ला ही खो गया, क्या फ़ायदा भी इस चीज़ का। जैसे हम बरसाना गए, बरसाना भी सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, दर्शन कर लिए राजा रानी, हम बैठ गए, मैं उनके साथ बैठा था। एक लड़की आती है टोकरी में रख के, गिरते ही आते हैं, नहीं पता कि लड्डू गोपाल जी कैसे थे, शायद हमारे। मैंने लिए उनसे पूछा कि ये है क्या? उन्होंने कहा यही है, बिल्कुल वही ड्रेस, वही सब कुछ। उन्होंने मुझसे पूछा कि किसने दी? मैंने बच्ची ने दी जो फूल बेच रही है। अच्छा, मैंने कहा कहाँ है वो बच्ची? हम गए फिर उन्होंने मुझे वो बच्ची मिली, हमने उस बच्ची को बहुत ढूंढा। क्या फिर हमने पुजारी से बात करी कि उन्होंने पूछा कि मिल गई बच्ची? मैंने कहा
क्या हुआ क्या था, फिर हमने उन्हें सारा इंसिडेंट बताया और राधा रानी के सामने मस्तक टेक लूँ। स्वयं राधा रानी ने आगे तुम्हारे अपने प्रियतम तुम्हें सौंप दिए, तो उस भाव से जब उन्हें राधा को मिले उसके अंदर प्रसाद भी था, बाकी बिहारी का प्रसाद भी था, वो फूल भी रखा गया। हरे कृष्णा, कहते हैं कथा सुनने भगवान के दर्शन कानों से किए जाते हैं, आंखों से नहीं। और कथा हम सुनते नहीं क्योंकि हमें बोरिंग लगती है। अब कुछ दिनों पहले मैं भगवान गरुड़ के बारे में सुन रहा था, तब मुझे एक्चुअल कथा की इम्पोर्टेंस रियलाइज हुई। उन्होंने अपनी माता विनता को नागों की माता कद्रु के दासत्व से मुक्त कराने के लिए स्वर्गलोक जाके देवताओं को हरा के उनके हाई सिक्योरिटी जोन से अमृत तक उठा लिया। और जब देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया, जो कि मोस्ट पावरफुल वेपन है आज तक का, तो सिर्फ ददीची मुनि जिनकी हड्डियों से वो वज्र बनाया गया था उनकी रिस्पेक्ट में उन्होंने अपने पंखों से एक फेदर गिरा दिया था। सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट में उनको हुआ कुछ नहीं था। और स्मार्ट इतने, वो जानते थे कि अगर नागों के हाथ अमृत लग गया तो सृष्टि में प्रलय मचा देंगे। वो लेके भी गए और देवताओं से दोस्ती करके उनके पिए बिना उसको वापस स्वर्ग वाह। और सेल्फलेस इतने कि इस पूरे प्रोसीजर में उन्होंने खुद अमृत की एक बूंद वाह। तो पहले भी गरुड़ भगवान को प्रणाम करते थे, लेकिन बड़ा मैकेनिकली क्योंकि श्री हरि के वाहन है तो उनको प्रणाम किया जाता है। लेकिन जब उनके बारे में सुना, उनके बारे में पता चला, तो दिल से रिस्पेक्ट निकलती है कि उनको अपना वाहन क्यों चुना श्री हरि ने। उनकी स्मार्टनेस, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी ऋषि मुनियों के प्रति रिस्पेक्ट, उनकी पावर। तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि जब भी हम अपने कल्चर को बड़ा मैकेनिकली फॉलो करेंगे ना तो टेम्परेरी रहेंगे, लेकिन कथा सुनने से हमें उसकी एक्चुअल इंपॉर्टेंस पता चलती है और फिर वो रिस्पेक्ट जो निकलेगी दिल से निकलेगी। शादी के बाद जनक जी ने श्री राम जी को कौन कौन से उपहार भेंट किए? आप सभी लोग आनंद रामायण से कहानियां जानना चाहते हैं तो मैंने सोचा ये आपको सुनाता हूं मैं। शादी के बाद जनक जी ने श्री राम जी को उपहार में 10 लाख श्रेष्ठ हाथी, 10 लाख पालकियां, 10 लाख घोड़े और 10 लाख रथ समर्पित किए। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के वस्त्र, आभूषण, गाय, दासियां और अनगिनत संख्या में सेवक भी दिए। ये आपको पढ़ने को मिलेगा आनंद रामायण के सारकांड में। अगर आप आनंद रामायण से और कहानियां जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम और इस वीडियो को शेयर कीजिए। योगी सरकार ने स्कूलों के सिलेबस में एनसीईआरटी की किताबों को शामिल करने का, आपको बता दें उसमें मुगलों के चैप्टर मुगल गए। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? रुको जरा, सबर करो। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी के सिलेबस में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को शामिल किया जा सकता है। एनसीईआरटी की 7 सदस्य हाई लेवल पैनल ने सामाजिक विज्ञान की किताबों में रामायण और महाभारत के पाठ जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। आज बेगम अकबर की पत्नी वृंदावन आई, जैसे गोवर्धन गई तो दर्शन की अनुमति नहीं थी विजातीय की वजह से, लेकिन गुसाई जी से प्रार्थना की तो मुख्य द्वार में खिड़की थी, अनुमति ऐसी मिली कि इस खिड़की से ठाकुर जी को देख लो। बादशाह की पत्नी, जैसे ही उसने उस खिड़की से ठाकुर जी को देखा, त्रिभंग ललित ठाकुर जी एक भुजा ऊपर करे, दूसरी भुजा कमर पर, कटाक्ष नीचे, नेत्र ऐसे सुंदर, मुस्कान ये सुंदर, मुकुट सुंदर, केश लहरा रहे हैं ऐसे सुंदर, दर्शन को जैसे उसने एक अटारी में से किया, देख करके देखती रह गई ठाकुर जी को। सब बुला रहे हैं, आगे चलने को कह रहे हैं, लेकिन सुध बुध खो गई, चली गई बादशाह के साथ, लेकिन रात भर ज्वर में रहती है, रात भर बुखार रहता है। वैद्यों ने आकर के देखा, दुनिया भर में हम इंद्रा ले स्वस्थ नहीं हुई। तब उससे पूछा, तुझे होता क्या है? बोली, मैं जब नेत्र बंद करती हूँ वो जो काला काला हमने देखा था ना वहां पे गोवर्धन में, वो दिखाई देता है। महीनों बीत गए तब भी ज्वर नहीं उतरा, तब अकबर लेकर के पुनः गोवर्धन आया और जैसे ही ठाकुर जी का पुनः दर्शन किया, दर्शन करते ही ज्वर दूर हो गया और ताज बेगम ने कह दिया अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। और उसने भले ही अपनी उर्दू भाषा के संपुट से ही ठाकुर जी के पद गाए। एक उनका पद है, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथों बिकानी बदनाम भी सहूंगी, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर, मुसलमानी पर बेगानी हूँ।
ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आपने सनातन धर्म की हिस्ट्री के बारे में जानने में हमें कुछ मिला। तो आपको पता ही है इस वीडियो में उन्होंने बताया कि कथा जो होती है उसको सुनकर हम जैसे जो लोग होते हैं, जैसे मतलब कोई भी मजहबी बात होती है ना या फिर इस तरह से कुछ भी टीवी में चल रहा हो वो सुन के हमें ना नींद आना स्टार्ट हो जाती है। तो क्योंकि इंटरेस्ट नहीं ना होता, वही उसकी जगह पर अगर मूवी लगी हो या वो 3 घंटे की मूवी हो वो हम देख लेंगे, कथा चाहे 10-15 मिनट की वो नहीं सुन पाते लोग। इस तरह से मतलब होता है कि इंटरेस्ट की बात है कि अगर आपको इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट लेकर अगर आप किसी को चीज को देखोगे ना तो आपको नींद कभी भी नहीं आएगी, आप हमेशा उसको ध्यान से सुनना चाहोगे, उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहोगे। ये जो कथाएं या फिर पुराने दौर की जो बातें होती हैं ना वो हमारे लिए एक सीख होती है, हमें उससे बहुत कुछ सीखने में अपनी अगर उससे हम सीख के अपनी जिंदगी में उसको लागू कर लेना तो हमें बहुत हमारी जिंदगी बेहतर हो जाती है। लेकिन लोग जाने दो राय गाइस को ये क्या हमें फायदा देगी, लेकिन जब मुसीबत में पड़ते हैं फिर वही चीजें याद आती हैं, हाँ हाँ, फिर उसमें इंटरेस्ट शो करने लगते हैं और जब अच्छा टाइम आ जाता है तो फिर से वो सब चीजें भूल जाते हैं। तो यही दुनियादारी है। लेकिन भाई बहुत अच्छी शॉर्ट्स थी, उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं।